अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज़ाद मुश्ताक टीवी यूट्यूब चैनल में कहते हैं आपको खुश आमदीद। जी हाँ दोस्तों, एक मरतबा फिर सिंध जो है तेज़ तरीन बारिशों की लपेट में आ चुका है। दोस्तों मज़ीद अपडेट आपको बताते हैं, उससे पहले आपसे छोटी सी गुजारिश करेंगे, आपने अभी तक आज़ाद मुश्ताक टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को क्लिक कर रहे हैं ताकि इतने खूबसूरत वीडियो और खूबसूरत अपडेट आपके साथ पेश करता रहूँगा इंशाल्लाह ताला। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त डिग्री मातली ठट्ठा हैदराबाद और उसके अलावा दोस्तों शहदादकूट शहदादपुर और इसके आसपास जकपाबाद जो भी इलाके आते हैं वो इस वक्त गहरे बादलों की लपेट में है और कई कई इलाकों में तूफ़ानी बारिशों का सिलसिला भी जारी है। दोस्तों बारिशों के साथ आसमानी बिजली और तूफान भी बहुत ही ज़्यादा है। ये सिस्टम जो है रात देर तक तकरीबन सिंध के 95 एरियाज़ तक जो है फैल जाएगा। दूसरी तरफ थरपारकर की बात करें तो थरपारकर में इस वक्त जो है बारिशों का सिलसिला कई कई इलाकों में जारी है और राजस्थान और थर के बॉर्डर के इलाकों में भी जो इस वक्त गरज चमक नज़र आ रही है, जो राजस्थान से सिस्टम जो थरपारकर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो मज़ीद अपडेट भी आपको देते रहेंगे, आगे की भी अपडेट दें तो इंशाल्लाह ताला कल आज से 48 घंटों के अंदर सिंध के मुकम्मल इलाकों में जो है बारिशों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। उसके अलावा नवाबशाह पंजाब बलोचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिशों का सिलसिला जारी है। मज़ीद अपडेट आपको देते रहेंगे, हमारे साथ जुड़े रहें।